श्वेत प्रदर एक एगोली सैलानी और कुश्ता कलई को दूध या पानी से लेना योनि मार्ग से तरल पदार्थ निकालने से रोकता है और रोग ठीक करता है। यदि रोनी योनि मार्ग से सफेद चिपचिपा अंडे की सफेदी जैसा पदार्थ गिरे और उसकी वजह से योनि में खुजली हो, कमर और पैरों में दर्द और कमजोरी लगे तो 10 ग्राम माजून सुपारी पाक और 2 गोली लिकोरेक्स को दूध या पानी से सेवन बेहद फायदेमंद होता है। फर्जीन और उरुसुक मलहम बराबर मात्रा में मिलाकर मासिक धर्म के बाद रात सोते समय रुई की लंबी बत्ती जो बाद में आसानी से निकल सके या कपड़े की बत्ती में लगाकर योनि में खूब भीतर तक रखें। सुबह बत्ती निकाल दें, इससे गर्भाशय और योनि के अंदर के भागों का तरल पदार्थ सूखता है और सूजन दूर होती है। मासिक कष्ट। मासिक धर्म से पहले या मासिक धर्म के दौरान यदि बहुत दर्द हो तो 10 ml मस्तूरीन या अनीत निस्वा को गुनगुने पानी में 2 बड़े चम्मच मेंसोरक्स मिलाकर पिलाएं। इससे मासिक असहनीय पीड़ा दूर होती है और गर्भाशय से इन्फेक्शन निकलकर उसके स्नायुओं को शक्ति मिलती है। मासिक धर्म रुक जाना या कम होना। यदि मासिक धर्म के दौरान रक्त स्त्राव कम हो जाए या बंद हो जाए या रुक रुक कर आए तो एक एक गोली हब्बे मुदिर और हब्बे महावारी को 10 ml नसवानी या मुस्तकिल के साथ 3 महीने तक देने से समस्या दूर होती है। मासिक धर्म के दौरान बहुत रक्त स्त्राव होना। मासिक धर्म के दौरान बहुत रक्त स्त्राव यानी ब्लीडिंग हो तो कुश बंदिश खून की 2 गोली 2 बड़े चम्मच शरबत अंजबार या गुनगुने दूध के साथ दिन में 3 बार दें। खून गिरना बंद हो जाए तो दवा बंद कर दें। यदि रोग पुराना हो तो कुर्स बंदिश खून की 2 गोली 5-5 ग्राम दवाए खास और दवाए कारवा को 2 बड़े चम्मच शरबत अंजबार या गुनगुने दूध के साथ दिन में 3 बार दें। यह दवा केवल मासिक धर्म के रक्त स्त्राव के दौरान ही देनी है। खून गिरना बंद हो जाए तो दवा बंद कर दें। अनियमित मासिक। सैलानी की 4 गोली सुबह एक बार पानी में 20 ml निस्वानी मिलाकर रोज 2-3 महीने तक दें। 5 ग्राम दबिदुल वर्द और 10 ml मस्तूरीन मिलाकर रोज 2-3 महीने तक देने से भी पुरानी बीमारी ठीक होकर मासिक नियमित होता है। गर्भ निरोध। एक एक गोली हब्बे मुदिर और हब्बे महावारी को मासिक धर्म के 3 दिन पहले से दें। इससे मासिक धर्म शुरू हो जाएगा और गर्भ नहीं ठहरेगा। गर्भ धारण करना या बांझपन का इलाज। 5-5 ग्राम माजून मुकव्वी रहम और माजून सुपारी पाक रोजाना सुबह खाली पेट दूध या ताजे पानी के साथ 2-3 महीने खाने से ओवरीज और यूट्रस के सारे इन्फेक्शन को निकालकर फर्टिलिटी के लिए तैयार करता है। इसके बाद मेंसिस पूरी तरह खत्म होने के बाद 3 दिन तक लगातार एक गोली हब्बे हमल और 5 ग्राम माजून मोइन हमल अमरी दोनों एक साथ दूध या पानी के साथ लें। 4th दिन शारीरिक संबंध करें। ऐसा करने से गर्भ धारण हो जाता है। गर्भावस्था की का कमर दर्द। यदि गर्भावस्था के दौरान कमर में दर्द रहने लगे तो 10 ग्राम सुपारी पाक को पानी में 2 बड़े चम्मच शरबत फौलाद मिलाकर रोज सुबह शाम खिलाने से ताकत आती है और कमर दर्द ठीक होता है। गर्भपात। 5 ग्राम माजून मुकव्विल रहम और 20 ml निस्वानी को फलों के रस या ताजे पानी के साथ रोजाना 2-3 महीने तक सुबह नाश्ते से पहले सेवन कराएं। इसके बाद जब गर्भ धारण हो जाए तो 3rd माह से 7th महीने तक अंत तक लगातार रोज सुबह 5 ग्राम माजून हमल अमरी अलवी खां को 250 ml दूध के साथ खाने से गर्भपात की शिकायत दूर होती है और जिनके बच्चे पैदा होकर मिर्गी से नहीं बचते वो भी स्वस्थ और जिंदा रहते हैं। यह दवा गर्भपात से रक्षा करती है। गर्भावस्था की उल्टी। गर्भावस्था में उल्टी कै और मिचली का अनुभव या परेशानी हो तो 5-5 ग्राम जवारिश तमर हिंदी
और ज्वालिश तुर्श को पानी में 10 ml अर्क गंजबीन मिलाकर सेवन कराएं। गर्भावस्था में टांगों की ऐंठन। गर्भावस्था में टांगों की ऐंठन और दर्द हो जाए तो एक एक गोली हब्बे जदवात और कुर्स मुसक्किन गर्म पानी या चाय से लें। नावेद ए नाउ 6 ग्राम को सुबह शाम दूध से खाना गर्भावस्था का पूर्ण टॉनिक है, जिसमें कैल्शियम, विटामिन और फास्फोरस भरपूर मात्रा में मिलते हैं। गर्भावस्था में हाथ, पैर और तलवों में जलन होना तो एक गिलास पानी में दो दो बड़े चम्मच शरबत आंवला और शरबत उन्नास मिलाकर दिन में 2-3 बार पीने से गर्भावस्था में हाथ, पैर और तलवों में जलन हो तो दूर होती है। गोरा और स्वस्थ बेबी। बच्चा गोरा और स्वस्थ पैदा हो, इसके लिए गर्भावस्था के तीसरे महीने के शुरू से अंत तक नावेद ए नाउ 6 ग्राम सुबह शाम अंगूरी से खाने और माजून मोइन हमल अमरी 5 ग्राम को सुबह दूध या ताजे पानी से खिलाएं। डिलीवरी के बाद पेट बढ़ना। डिलीवरी के बाद यदि पेट की मालिश करवाई जाए तो पेट वापस सही पोजीशन में आ जाता है। यदि डिलीवरी के 1 साल बाद भी पेट का मोटापा कम ना हो तो 5-5 ग्राम जवारिश बजवासा और जवारिश फलाफली में 5 ग्राम सफूफ मोहजिल मिलाकर गर्म पानी से खाना पेट की बढ़ी चर्बी को कम करता है। गर्भाशय की सूजन। गर्भाशय में सूजन और इन्फेक्शन हो जाए तो 4 गोली हब्बे मुसफ़ी खून और 5 ग्राम दबीदुल वर्द को पानी में 10 ml शरबत उष्बा मिलाकर 3 बार रोज खाने से रोग ठीक होता है। फरजीन और अरूसक मलम बराबर मात्रा में मिलाकर मासिक धर्म के बाद रात सोते समय रुई की लंबी बत्ती जो बाद में आसानी से निकल सके या कपड़े की बत्ती में लगाकर योनि में खूब भीतर तक रखें। सुबह बत्ती निकाल दें। इससे गर्भाशय और योनि के अंदर के भागों का तरल पदार्थ सूखता है और सूजन दूर होती है। योनि शिथिलता। यूट्रस नीचे लटक जाए तो 5 ग्राम माजून मुकर्री रहम को पानी में 20 ml निस्वानी मिलाकर दिन में 3 बार सेवन रोग ठीक करता है। साथ ही मलम दाखिले नुयून मरकब को गर्भाशय के अंदर तक नर्स से लगवाएं। इससे गर्भाशय के सारे इन्फेक्शन निकल जाते हैं और गर्भाशय अपनी जगह ठीक से आ जाता है। ऐंठन और धनुर्वात। डिलीवरी के बाद यदि शरीर में ऐंठन और धनुर्वात के लक्षण दिखाई दें तो दो दो गोली हबे जदवार पानी से 3-3 घंटे पर दें। योनि की खुजली। वजाइना में खुजली हो तो 4-4 गोली हब्बे मुसफ़ी खून पानी में 10 ml शरबत उष्बा मिलाकर 3 बार रोज खाने से रोग ठीक होता है। फरजीन और अरूसक मलहम बराबर मात्रा में मिलाकर मासिक धर्म के बाद रात सोते समय रुई की लंबी बत्ती जो बाद में आसानी से निकल सके या कपड़े की बत्ती में लगाकर योनि में खूब भीतर तक रखें। सुबह बत्ती निकाल दें। इससे गर्भाशय और योनि के अंदर के भागों का तरल पदार्थ सूखता है, खुजली और सूजन दूर होती है। दूध बढ़ाने का उपाय। डिलीवरी के बाद स्तनों में दूध बढ़ाने के लिए 5-5 ग्राम शतावरी कल्प 3 बार दूध से खिलाएं। फाइब्रॉइड्स या ट्यूमर। यदि यूट्रस में फाइब्रॉइड्स यानी नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर हो जाए तो सुबह शाम 5 ग्राम माजून दबीदुल वर्द को थोड़े पानी में 2-2 बड़े चम्मच अर्क कासनी और अर्क मकोह मिलाकर रोज सेवन कराएं। रात को 5 ग्राम माजून नजाह पानी से दें। 6 महीने से 1 साल तक दवा दें। 1-1.5 महीने बाद सोनोग्राफी करवाएं ताकि प्रोग्रेस पता चले। मीनोपॉज। लगभग 50 वर्ष की आयु के बाद महिलाओं के मासिक धर्म बंद हो जाते हैं, लेकिन इसके दौरान दिल घबराना, थकावट रहना, वजन बढ़ना, पेट आगे निकलना, गुस्सा और चिड़चिड़ापन रहना, गर्मी बहुत लगना, आवाज भारी होना आदि कोई भी समस्या आ सकती है। सुबह शाम 5 ग्राम माजून दबीदुल वर्द को थोड़े पानी में 2-2 बड़े चम्मच शरबत कासनी मिलाकर सेवन कराएं। रात को निस्वानी और 10 ml मस्तूरीन का आवश्यकता अनुसार सेवन कराएं।